अध्यक्ष महोदय, चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद में जीत की खुशी भी होती है और खुशी लोग मनाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के जीत की खुमारी हो जाती है। खुमारी यहां माननीय हवा महल से आने वाले सदस्य जैसे ही चुनाव जीते गदा लेके चल पड़े बाजारों के अंदर, ऐसे चल दिए कहीं रामलीला में कोई रोल करना हो। आपको और फिर अगले दिन आपके यहां से कोई गुड़की लगी माफी मांग लेते हैं। आपके सहाड़ा से आने वाले विधायक हॉस्पिटल में जाते हैं और हॉस्पिटल में पहुंचकर डॉक्टर को धमकाते हैं, कहते हैं भगवान से डरो, शर्म करो, तुम्हारे लूली लंगड़ी औलाद पैदा होगी, भगवान करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए। हद है आपको, आप बाबा जी बन गए कि जो शराब देने लग गए। आपका काम जनता ने उनकी बात को इस सदन के अंदर उठाने के लिए किया है। और यही नहीं, हमारे शाहपुरा से आने वाले एक बीजेपी के विधायक ने तो हद ही कर दी। वहां आम जनता के सामने एक नई महिला अधिकारी जिसकी नई ज्वाइनिंग हुई थी, उसको किस प्रकार से धमकाते हैं, उसकी नौकरी खा जाने की बात करते हैं। ये आपका चरित्र है? ये आपका चरित्र है? एक नई अफसर महिला, उसको आप जनता के बीच में जलील करना चाहते हैं? ये आपकी मानसिकता दर्शाती है। और यही नहीं, आपके तो शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य तो भरे पूरे समारोह में अधिकारियों को धमकाते हैं। क्यों भाई, ऐसा कौन सा परमिट आपने ले लिया? और यही नहीं, आपके मंडल से आने वाले सदस्य तो सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं है, इन लोगों का सीधा एनकाउंटर करो। ये आपकी कानून व्यवस्था है। और आपके मंत्री यहां तो गांधी जी को नमन कर रहे हैं और वहां अपने चेंबर के अंदर गांधी जी की और बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को हटा रहे हैं। सेम, शर्म आती है ऐसी सोच पर, शर्म आती है ऐसी सोच पर। और यही नहीं, प्रतिमा दफ्तर के अंदर जो लगी हुई वो, और यही नहीं मैं और कहना चाहूंगा, ये तो आपके जो सदस्य जीत के आए हैं ना उनकी बता रहा हूं, और जिनको जनता ने दुत्कार दिया, जो यहां जो जितने सारे लोग बैठे हैं ना, ये जिनको निमटा के आए हैं, उनने भी खेल शुरू कर दिया है, वो भी अपने आप को विधायक ही मान रहे हैं, उन पे भी आप ध्यान रखना, नहीं वो सारा आपका नुकसान करेंगे, हमारा कुछ नहीं है। और यही नहीं आपकी कानून व्यवस्था, आपने लगातार जो है एक्शन मोड चल रहा है, सरकार एक्शन मोड में, 10,000 गिरफ्तारियां, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया होगा 10,000 गिरफ्तारी हमने कर ली, आपको ये नहीं बताया होगा कि 10,000 में से 1,718 लोग शांति भंग में 151 में पकड़ के उसी दिन छोड़ दिए थे। और ये वो लोग हैं जो बेचारे कहीं चौराहे में बैठे थे, कहीं गांव में बड़े बुजुर्ग ताश खेल लेते हैं, हुक्का पी लेते हैं, उन लोगों को लाके आपने ठोक दिया और बता दिया कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। हो गई ना कानून व्यवस्था दुरुस्त? आपने, यही नहीं, 3 दिन में सिर्फ 116 नए मुकदमे दर्ज हुए, 116। और जो भू माफिया, शराब माफिया, संपत्ति अपराध, पता नहीं कितने कितने आप केस बता रहे थे, उनमें मात्र 259 लोग आपने अरेस्ट किए। ये आपकी कानून व्यवस्था है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। और यही नहीं, आपने तो राजस्थान को रेपिस्तान बता दिया था ना, बताया था ना, सही बताया था ना,
सही बताया था ना। अब आप सुनिए, राजस्थान रोडवेज की अनुबंधित बस, राजस्थान रोडवेज की अनुबंधित बस और बस के अंदर महिला यात्री से दरिंदगी, कहां की खबर है ये? भरतपुर। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की तो कानून व्यवस्था जब ठीक करेंगे, पहले भरतपुर की तो हो जाए। 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची ने जहर खाकर आत्महत्या की, चित्तौड़। पाली, बाड़मेर, और यही नहीं, महिला अपराध जो आप बार बार उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो ना, जहां आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है जहां आपकी सरकार है, और महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, वहां भी आपकी सरकार है, ये मैं कहना चाहूंगा। और अरे शांति रहिए, मैं माननीय बोले, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोग उतना ही बोलेंगे जितनी इनके अंदर इस सदन की गरिमा रखने की सिद्धत है। नहीं, दोनों पक्ष को कह रहा हूं, नहीं, दोनों सही हैं, हमारे वाले कोई नहीं बोल रहे। और मैं आपको माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार का रवैया इन माननीयों का है ना, इनको ट्रेनिंग दे दो पहले। ये राजस्थान की विधानसभा है, कोई चौपड़ नहीं है, जिस प्रकार से जो मर्जी जो बोलता है, बैठ जाओ, अब आपके बोलने का काम नहीं है, अब बैठिए 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 आप बैठिए 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 आप बैठो, सुनने का मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए, बैठिए, सुनने का मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए, आप सुनने का मादा रखिए, बैठिए बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपके खुद ही आपके सदस्य ही खड़े हो रहे हैं, कोई सदस्य खड़े नहीं हो रहे, इनको इसके लिए मैं खड़ा हूँ, इसके लिए मैं हूँ, इसके लिए आप नहीं है, इसके लिए मैं खड़ा हूँ, आप बैठिए, इन सब के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, इन सब के लिए अकेला ही काफी, करने दीजिए, आप बैठिए, इन सब के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, इनको ये बात भी बतानी पड़ेगी कि कोई माननीय मंत्री ऐसा करे तो ये तो और भी गलत बात है, ये तो और भी गलत बात है। और आप ज्यादा मत बोलिए, 7 दिन पहले अलवर में भी 3 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला आया, ये भी मैं कहना चाहूंगा आपको, ये भी मैं कहना चाहूंगा, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मंत्री जी आप बैठिए, माननीय मंत्री जी आप बैठिए, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी आप बैठिए, माननीय मंत्री जी बैठिए बैठिए, अरे माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये गलत बात है, आप खड़े हो तो ये आप होंगे तो आप, माननीय अध्यक्ष जी, वो एक खड़ा हो रहा है, 5 खड़े हो रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा, बैठिए, आपके नेता बोल रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी ये गलत बात है, तो मैं उसके लिए मैं हूँ, ये गलत बात है, मैं हूँ, आप नहीं है, और उनको बैठाने के लिए मेरी ड्यूटी है, आपकी नहीं है, आप शांत रहिए, बोलिए, पूरे प्रदेश की और देश की जनता यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों का आचरण देख रही है, आप सबका आचरण देख रही है, किस प्रकार का आपका बर्ताव सदन के अंदर है, और ये मेरे साथ ही नहीं कर रहे आप पिछले 3 दिनों से, क्योंकि आपकी परिपाटी पुरानी रही है, पहले जब आप कहीं फंस जाते थे तो भारत माता की जय लगाते थे, आप विधानसभा में जब जवाब देने में फंसते हो तो जय श्री राम का नारा लगाते हो, इससे काम नहीं चलेगा भाई, जय श्री राम तो हम भी मानने वाले हैं, मेरे तो नाम में ही राम है, और बीजेपी पैदा कब हुई है, बीजेपी से पहले श्री राम है, आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे आप लेके आए हो। और माननीय जो अलवर शहर से जो माननीय सदस्य आते हैं, उन्होंने एक बात कही है मूक बधिर बच्ची का, मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों में ताकत है और सही मायने में अगर इस देश के संविधान को मानते हो और सही मायने में जो जनता से आपने वादे किए हैं, तो उस मामले की अब आप जांच करा के दिखा देना, उस मामले की अब आप जांच करा देना।